में श्री भगवान सामने प्रकट हो गए, और जैसे प्रभु सामने प्रकट हुए तो सनकादिक ऋषि लोग जो है चरणों में प्रणाम करते हैं, और श्री प्रभु ने सनकादिक ऋषियों को प्रणाम करते हुए कहा कि ये मेरे द्वारपाल है, इनसे गलती से गलती हो गई है, इसलिए इन्हें आप क्षमा करें। इतने में जय विजय भी संतों के चरणों में गिर पड़े और कहा कि हमसे भूल करके गलती हो गई, लेकिन हमें क्षमा करो। तो संतों ने कहा कि गलती चाहे आपने भूल करके करी है या अभिमान में करी है, लेकिन आपसे गलती हुई है, इसलिए आपको दंड तो मिलेगा। हम संतों की वाणी प्रभु आपने ही सिद्ध करी है कि हम जो कहते हैं वो निश्चित रूप से हो जाता है, और ये आपने ही कहा है कि भजन का प्रभाव बढ़ता है, जो कहते हैं वो हो जाता है। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि प्रभु हम इन्हें जो हमने कह दिया वो तो होगा। प्रभु ने कहा कि हाँ वो बात भी सही है, पर केवल ऑप्शन दे सकते हैं कि पृथ्वी पर जाने के बाद में कैसे आपकी दोबारा इन्हें प्राप्ति होगी। बोले पृथ्वी पर अगर ये राक्षस बन करके रहेंगे तो 3 जन्म में ही इनका उद्धार आप कर दोगे और ये आपको प्राप्त कर लेंगे, और अगर भक्ति के द्वारा आपको पाना चाहेंगे तो 7 जन्म की भक्ति इनको करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी प्राप्ति इनको होगी। तो जय विजय ने मन में सोचा कि राक्षस बनने में फायदा है, क्योंकि राक्षस बनने में 3 ही जन्म का इंतजार करना पड़ेगा, और साधु बनने में भक्त बनने में तो 7 जन्म की प्रतीक्षा करना पड़ेगा, तो इसलिए राक्षस ही बन जाते हैं। तो जय विजय ने विचार कर लिया कि अब हमको राक्षस ही बनना है। सनकादिक ऋषियों ने मन ही मन में सोचा कि देखो हम इतने दिन से भगवान की साधना करते हैं, तपस्या हमने की है, लेकिन आज तक भगवान ने इनको जिस शब्द से संबोधन किया है हमको आज तक नहीं किया है। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे संत हो, और जय विजय को क्या कहा भगवान ने कि आप इन्हें क्षमा करिए, ये मेरे द्वारपाल है। तो भगवान ने इन्होंने गलती की तो भी श्री प्रभु ने इनको मेरा कहा है, और हम इतनी साधना करते हैं तो भी भगवान ने हमको मेरा नहीं कहा है, तो इसका मतलब हमारी साधना में कमी है। तो इसको इस दूरी को दूर करना है, इसके लिए श्री सनकादिक ऋषि ने कहा कि प्रभु प्रथम अवतार में इनके उद्धार का कारण हम सारे संत महात्मा बने, क्योंकि संतों को भगवान का मेरा बनना है, आप में और मेरे में थोड़ा सा दूरी हो जाती है शब्दों में। तो प्रभु ने कहा कि आप मेरे इनका मेरा बनना है, तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि प्रथम अवतार में इनके उद्धार का कारण हम सारे संत महात्मा लोग बने, तो प्रभु ने कहा कि तथास्तु। तो पहले अवतार में इन्हीं सनकादिक ऋषियों के अंश से मिल करके भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी का जन्म होता है, और प्रहलाद जी ने से जब पूछता हिरण्यकश्यप की बताओ इस खंभे में भी तुम्हारा भगवान है, तो श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि हाँ इस खंभे में भी मेरा भगवान है। जैसे हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया तो श्री नरसिंह भगवान का प्रागट्य हो गया और हिरण्यकश्यप का वध हो गया। उसके बाद में भयंकर क्रोध से लाल श्री नरसिंह भगवान, इतना क्रोध की शांत नहीं हो रहा है, देवता लोग स्तुति कर रहे हैं पर क्रोध बढ़ते जा रहा है। देवता लोग दौड़ते हुए लक्ष्मी जी के पास गए, बोले मैया प्रभु को क्रोध आ रहा है तो आप शांत कर सकती है। अब पति को अगर क्रोध आए तो यही होता है ना कि पत्नी जी सामने जाए तो हो सकता है क्रोध शांत हो जाए, तो शांत कैसे हो क्रोध। लक्ष्मी जी ने कहा इसमें कौन बड़ी बात है, अभी यूं जाती और यूं आती हूँ। जैसे लक्ष्मी जी गई तो जैसे नरसिंह भगवान का रूप देखा, बोले भगवान मैंने दुनिया में इनका बहुत स्वरूप देखा है लेकिन ये स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा है, मैं नहीं जा सकती। लक्ष्मी जी भी डर के मारे भाग करके आ गई, क्रोध को शांत लक्ष्मी जी भी नहीं कर पाई। अंत में श्री नारद जी ने कहा कि आप इनके भक्त प्रहलाद जी को गोद में बैठा दो तो इनका क्रोध शांत हो जाएगा। तो श्री नारद जी ने जैसे ही प्रहलाद जी को गोद में बैठाया, नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए और जीभ से चाट करके कहने लगे कि प्रहलाद तू मेरा लाडला भक्त है। तो श्री भगत संतों की चाहत थी कि प्रभु हमें मेरा बना ले। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी चरण तो बहुत दिन से दबा रही हूँ लेकिन आज तक इन्होंने कभी भी मेरी है ये नहीं कहा है, तो इनको ये दूरी मुझे भी खत्म करना है। तो प्रभु से लक्ष्मी जी ने कहा कि इनके अगले अवतार में इनके उद्धार का कारण प्रभु मैं लक्ष्मी स्वयं बनूं। तो त्रेता में रावण कुंभकर्ण का वध होता है और श्री जानकी जी का हरण रावण करता है, फिर रावण और कुंभकर्ण का वध श्री राम जी करते हैं, लक्ष्मी जी तब मेरी बनी है।
अब श्री कन्हैया श्री प्रभु ने कहा कि अब लास्ट में कोई नहीं बचा है तो इनका उद्धार मेरे ही द्वारा मैं करूंगा। तो श्री कृष्ण अवतार में शिशुपाल और दंत वक्र का उद्धार श्री प्रभु स्वयं करते हैं। इस तरह श्री महादेव जी ने कहा कि प्रभु के अवतार का एक ये कारण हो गया है देवी। अब भगवान के अवतार का जो अगला कारण है वो है वृंदा का शाप। श्री भगवान ने सिरोधार्य करा था। एक बार क्या हुआ कि देव ऋषि नारद आदि सारे संतों का देवराज इंद्र अपमान करने लग गए, अपने पद का अभिमान हो गया। तो अभिमान के कारण सारे लोगों का अपमान देवराज इंद्र करने लगे। भगवान शिव जी को क्रोध आया कि साधु संत गुरु का अपमान करे मुझे पसंद नहीं है। तो शिव जी त्रिशूल लेकर के मारने के लिए जाते हैं तो सारे देवता घबरा गए कि अगर बाबा त्रिशूल अगर छोड़ देगा तो देवराज इंद्र के पते नहीं रहेंगे। तो सारे देवताओं ने क्षमा याचना की, प्रभु माफ करिए, देवराज इंद्र भी चरणों में गिरे। तो भगवान शिव जी ने कहा कि ठीक है मैं इसे तो माफ कर दूंगा लेकिन दोबारा इसी गलती नहीं होना चाहिए। बोला हाँ अब नहीं होगी। तो भगवान शिव जी ने कहा कि मैं क्षमा तो कर दूं लेकिन मेरा जो क्रोध है, जो मुझे क्रोध आ गया तो इसका जो वेग है इसको कौन संभालेगा, इसको कहां पर छोड़ूं। तो देवता लोगों ने कहा उधर से कहे तुम संभालो, उधर से कहे तुम संभालो। अग्निदेव से कहा कि आप संभालो तो अग्निदेव ने दोनों हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज मैं खुद जल करके राख हो जाऊंगा लेकिन शिव जी का तेज मुझसे संभलते नहीं बनेगा। तो फिर क्या करे, तो देवताओं ने कहा कि प्रभु का जो तेज है उसको सागर में छोड़ दो। तो संसार में उस तेज को छोड़ा तो उससे जालंधर की उत्पत्ति हो गई। जालंधर अब शिव जी के तेज से प्रकट हुआ तो शिव जी का बेटा कहलाएगा। लेकिन ये इतना बड़ा अधर्मी था और अधर्म किसके पीछे करता था, अपनी पत्नी के पीछे करता था। पत्नी इसकी जो थी वो महान पतिव्रता नारी थी और पतिव्रता नारी के का कवच पहन करके जालंधर निरंतर अधर्म करता था। और शास्त्र का नियम है कि डायरेक्ट कोई अपराध करे तो उसे तो फिर भी एक बारी की श्री भगवान क्षमा याचना प्रदान कर देंगे, लेकिन शास्त्रों का कहना है कि जो धर्म का चोला पहन करके धर्म की आड़ में जो अधर्म करता है, अभिमान करता है, उसका उसको भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते हैं। धर्म का चोला पहन करके जो अधर्म करता है उसका पाप वज्र के समान कठोर हो जाता है। कई लोग कहते ना कि तीर्थों में जाए तो पाप करें तो भी धूल सब खत्म हो जाता है, पर ये बात बहुत गलत है। तीर्थ में अगर पाप करेंगे तो वो पाप और भी ज्यादा कठोर वज्र के समान हो जाता है, वो पाप मिटता नहीं है। तो जालंधर पत्नी का कवच पहन करके, क्योंकि कोई भी देवता इसे मार नहीं सकता था, इसकी पत्नी का जो सतीत्व है इसको बचा लेता था। तो जालंधर निरंतर अधर्म करता रहता था। तो नारद जी ने भगवान शिव जी से कहा कि वो आपका बेटा है, अधर्म करता आप जाते नहीं हो। तो शिव जी ने कहा कि देखो भले ही मेरा बेटा हो लेकिन उसने कुछ किया नहीं है तो मैं कैसे जाऊं, और कैसा भी हो बेटा तो मेरा है ना। तो श्री नारद जी ने कहा ठीक है हम भी ऐसी चाबी घुमाएंगे कि आप खुद ही उसके पीछे भागोगे। तो श्री नारद जी ने जालंधर से आकर के कह दिया कि यहाँ क्या इधर से उधर उधम मचाते हो, तुम जानते हो शिव जी के पास में जो उनकी पत्नी है वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। जालंधर ने कहा अच्छा, बोले हाँ जाओ तो सही। जालंधर तुरंत दौड़ करके शिव जी के पास में आया तो ये मैया पर ही आसक्त हो गया। तो भगवान शिव जी ने अब उठाया त्रिशूल, ये आगे आगे भागे और शिव जी पीछे पीछे भाग रहे। अब मार तो सकते हैं भगवान शिव जी लेकिन मारते इसलिए नहीं है क्योंकि इसका पत्नी का सम्मान भगवान कर रहे हैं। इधर भगवान श्री नारायण ने वृंदा का सतीत्व भंग किया और इधर जालंधर की मृत्यु भगवान श्री महादेव जी के हाथ से हो गई। अब वृंदा को जब पता चला कि भगवान ने मेरा सतीत्व भंग किया है और मेरे पति का वध करवाया तो प्रभु को उसने श्राप दिया कि आपने पति के वियोग में मुझे रुलाया ना, त्रेता में आपको भी पत्नी के वियोग में बहुत रोना पड़ेगा। तो श्री भगवान को देखो दुनिया का कोई भी श्राप लगता नहीं है, श्री भगवान श्राप को सिर पर धारण करते हैं। प्रभु को कोई श्राप नहीं लगता, कोई गति बाधित नहीं कर सकती। भगवान सबके श्राप को, भक्त के श्राप को सिर पर धारण करते हैं। दोनों हाथ जोड़ करके श्री प्रभु ने कहा कि हम आपके श्राप को सिरोधार्य करते हैं। वृंदा ने कहा इतने में मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, मेरे पति को आपने दूर किया है तो आपको मेरे साथ में ही रहना पड़ेगा। तो शिव भगवान ने कहा कि ठीक है हमको तो जहाँ भजन मिल जाता है, जहाँ भोजन मिल जाता है वही हम झूला झूलने लग जाते हैं। तो वृंदा के पास ही भगवान झूला झूलने लग गए।
प्रसन्न हो गए। अब बहुत दिन हो गए लक्ष्मी जी परेशान है। श्री नारद जी पहुंचते वैकुंठ धाम में, माता जी उदास बैठी हो, तो बोले प्रभु बहुत दिन से गए आए नहीं है। तो श्री नारद जी ने कहा वो अब आएंगे भी नहीं। बोले क्यों? बोले वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वो तो वृंदा के पास में बैठे हैं। तो श्री लक्ष्मी जी दौड़ करके आई, देखा तो प्रभु तो वृंदा के पास में है। तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया और कहा कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पृथ्वी पर जा करके जड़ बन जाओ। तो वृंदा ने कहा कि मैं तो जड़ बनूंगी लेकिन मैं फिर भी इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। अगर मैं जड़ बनूंगी तो इनको भी पत्थर बनना पड़ेगा, ये मेरा श्राप है इनको, मेरा प्रण है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है मुझे मंजूर है। तो पृथ्वी पर जड़ बन करके कौन आई? श्री तुलसी मैया आई है। जो वृंदा जी के जो बाल बाल है वो तो श्री तुलसी जी बने हैं और जो बाकी का जो शरीर है उनका वो नदी के रूप में परिवर्तित हो गया है। ये नदी वर्तमान में भी बिहार में मौजूद है, बूढ़ी गंडक इनका नाम है इस नदी का। और इसी नदी से शालिग्राम भगवान का प्रागट्य होता है। शालिग्राम भगवान भगवान का ही अवतार है, जो वृंदा जी ने श्राप दिया था कि आप मेरे बगैर नहीं रह सकती। तो उनका शरीर जो था वह नदी के रूप में परिणित हो गया और बाल बाल तुलसी जी बन गया है। शालिग्राम भगवान जिसके भी घर में हो तो कहा जाता है कि तुलसी जी पधराना जरूरी है। तुलसी जी अगर नहीं रखे ना तो उनका उनके सर में दर्द होता है, इसलिए तुलसी जी रखना जरूरी है। तो इस प्रकार वृंदा का श्राप प्रभु ने शिरोधारी किया है। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाई जा रे, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाई जा रे, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाई जा रे।
हनुमंत लाल महाराज की जय। श्री महादेव जी ने कहा कि श्री प्रभु के अवतार का जो अगला कारण है वो है, देवी एक बार श्री नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था, इसलिए भगवान ने अवतार को धारण किया है। यह कह करके भगवान शिव जी आगे बढ़ गए। तो मैया ने कहा, क्या क्या आपने क्या कहा है, जरा डबल से कहो। तो बोले, एक बार देवऋषि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया है। तो मैया ने कहा कि आप ये कथा मुझे विस्तार से सुनाई कि नारद जी ने कैसे श्राप दिया। बोले, बस एक बार ऐसे हो गया था इसलिए श्राप दिया है। तो श्री मैया ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कथा विस्तार से सुना है, आप तो विस्तार से बताएं कि भगवान ने, नारद जी ने भगवान को श्राप कैसे दिया, क्योंकि नारद जी तो साधारण है नहीं, नारद जी बहुत बड़े ज्ञानी है, फिर भगवान के भक्त हैं, और इतने बड़े ज्ञानी है तो वो ज्ञानी होकर के भगवान को श्राप कैसे दे दिया उन्होंने। तो श्री महादेव जी ने हंसते हुए कहा कि ज्ञानी तभी तक ज्ञानी रहता है जब तक उनकी इच्छा होती है। वो कब ज्ञानी को अज्ञानी बना दे, कब अज्ञानी को ज्ञानी बना दे, उसका कोई भी ठिकाना नहीं है। पढ़े लिखे बाबू साहब नाव में बैठ करके जा रहे थे, नाव वाले से बार बार पूछ रहे थे कि बताओ आपने, तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़ाई लिखाई की एक नहीं की है। तो उसने कहा कि महाराज, जीवन भर नाव से लोगों को इधर उधर पार करने में मेरा जीवन चला गया है, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है। तो श्री, फिर वो पढ़ा लिखा फिर दूसरा प्रश्न पूछता है कि आपने पढ़ाई की कि नहीं की। बोले, नहीं की। बोले, अरे तुम्हारी तो आधी जिंदगी पानी में चली गई, ये किया कि नहीं किया। तो बोले, नहीं किया है। तो बोले, तुम्हारी आधी जिंदगी पानी में चली गई है। तो ऐसे करते करते बीच नदी में पहुंचे तो तूफान आया, नाव डोलने लगी। तब उस अनपढ़ व्यक्ति ने पूछा, कहा कि ये बताइए पढ़े लिखे बबुआ जी कि आपने, आपको तैरना आता है कि नहीं आता है। तो इन्होंने कहा कि तैरना नहीं आता है। तो उस अनपढ़ व्यक्ति ने कहा कि मेरी तो आधी जिंदगी पानी में गई है और आपकी तो पूरी की पूरी ही पानी में जा रही है, क्योंकि आपको जब तैरना नहीं आ रहा है तो आप तो गए काम से। तो उस पढ़े लिखे व्यक्ति को उस अनपढ़ व्यक्ति ने बाहर पार किया है। तो श्री महादेव जी ने कहा कि ज्ञानी को कब अज्ञानी को ज्ञानी बना दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो एक बार श्री नारद जी ने भगवान को इसी तरह श्राप दे दिया था, इसीलिए भगवान को अवतार धारण किया, भगवान ने अवतार धारण किया। तो मैया ने कहा, ना मुझे तो ये कथा विस्तार से सुननी है कि आखिर में भगवान ने कैसे श्राप दे दिया है। तो श्री मैया ने जैसे कथा पूछी तो भगवान शिव जी तुरंत कथा को कहने लगे कि अच्छा चलो, तुम्हारा मन हो रहा है तो मैं कथा को सुनाता हूँ। बोले, एक बार क्या हुआ कि श्री नारद जी भ्रमण करते हुए हिमालय की तरफ चले गए, और जैसे हिमालय की तरफ भ्रमण करने गए तो वहाँ का माधुर्यमय वातावरण देख करके श्री नारद जी के मन में हो गया कि यहाँ बैठ करके एकांत में श्री भगवान का भजन करना चाहिए। देखो, आप और हम लोग अगर ऐसे सुंदर स्थान में जाए तो क्या होता है कि थोड़ा गपाष्टक कर लें, पिकनिक मना लें, ये सब करने जाते हैं। पर जो संत हैं वो सोचते कि इतना सुंदर स्थान है, एकांत है, तो यहाँ पर भगवान का भजन करना चाहिए। तो श्री नारद जी भगवान का भजन करने के लिए बैठे। यद्यपि श्री नारद जी को राजा दक्ष का श्राप है कि वो दो घड़ी से ज़्यादा किसी भी स्थान पर बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि राजा दक्ष जब भी संतान प्रकट करें और जैसे कहे कि बेटा बड़े होने के बाद में गृहस्थ जीवन जीना है, संसार बसाना है, तो श्री नारद जी ऐसा ज्ञान का भाषण झाड़ते हैं कि वो बेचारा सीधा जाकर के साधु बन जाता है। तो एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, राजा दक्ष को क्रोध आ गया कि नारद, तुम्हें अपने ज्ञान का बहुत ज्यादा अभिमान है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि दो घड़ी से ज्यादा आप कहीं ठहर ही नहीं पाओगे, तो ना तुम ज्यादा देर रुकोगे, ना ज्ञान का भाषण दोगे, और ना ही कोई तुम्हारे ज्ञान के भाषण से साधु बनेगा। तब से श्री नारद जी बिचारे कहीं भी ज्यादा देर रुक नहीं पाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, थोड़ी सी वार्तालाप होती है, नारद जी यहाँ से चले जाते हैं। तो अब श्री नारद जी की यहाँ अखंड समाधि लगी है, कारण
कारण यह है कि जैसे श्री नारद जी यहाँ बैठ करके भजन करने लगे तो उसी समय साकेत धाम से श्री भगवान ने सोचा कि जब भक्त भजन करता है तो भगवान फिर अपने धाम में नहीं रहते हैं। भगवान सोचते कि मेरा भक्त जहाँ कीर्तन करे भजन करे तो मेरे भक्त के हृदय में मैं निवास करूं। ज्ञानी कहते हैं कि मुझे आपसे ना लेना है ना देना है, तो भगवान भी कह देते कि भैया ठीक है तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते, ना तुझसे मुझे लेना है ना मुझे देना है। लेकिन भक्त कहता है कि मुझे आपसे लेना भी है मुझे आपको देना भी है, तो भगवान भी कहते कि तेरे से भी मुझे लेना भी है और तुझे मुझे देना भी है। ज्ञानियों के आनंद का जो आनंद है वो ज्ञानी खुद ही लेता है। जो ध्यान करके आंख बंद करके जो बैठते हैं तो उनके आनंद का जो है जो ज्ञान का आनंद है वो आनंद ज्ञानी खुद का खुद ही ले लेता है। लेकिन भक्त जब भजन गाता है तो उसके भजन का आनंद साक्षात भगवान लेने के लिए उसके हृदय में विराजते हैं। तो श्री नारद जी ने जैसे वीणा के तार पर भजन छेड़े तो आकाश साकेत धाम में श्री प्रभु ने कहा कि यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे, भक्त के हृदय में जाते हैं ना और उसके हृदय में बैठ करके आनंद से उसके भजन का आनंद लेते हैं। तो यह सोच करके प्रभु का आगमन श्री नारद जी के हृदय में प्रत्यक्ष हो गया है। संतों के हृदय में श्री प्रभु का निवास प्रत्यक्ष होता है और आप और हम लोगों के हृदय में भगवान का निवास तो है लेकिन अप्रत्यक्ष रहते हैं। कैसे, जैसे दो तालाब है, एक में गहरा जल भरा हुआ है और एक में कम जल भरा हुआ है। एक की गहराई ज्यादा है एक की कम है, लेकिन फिर भी जिसकी गहराई ज्यादा है उसका पानी कैसा है, बहुत बहुत साफ है, और जिसकी गहराई कम है लेकिन उसका पानी बहुत ही गंदा है। तो बताओ कि गहराई तो उसकी ज्यादा है जिसकी में पानी साफ है और गहराई कम उसकी है जिसमें पानी कम है, परंतु दोनों में अगर सिक्का गिराए तो नीचे जमीन तक वो सिक्का कौन से तालाब का दिखाई पड़ेगा। जिसका पानी साफ होगा उसका सिक्का दिखाई पड़ेगा, भले ही वो गहरा ज्यादा है लेकिन फिर भी उसमें जो सिक्का गिरा है उसका पानी साफ होने की वजह से सिक्का स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार आपके और हमारे हृदय में 84 लाख का कचरा जो भरा हुआ है इस वजह से अंदर बैठा हुआ भगवान दिखाई नहीं पड़ता है। और संतों का हृदय जो है वो भजन करते 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 फिल्टर हो जाता है, जैसे फिल्टर करके पानी पीते हो ना शुद्ध करके, तो वो हृदय का जो कचरा है वो चला जाता है, इसलिए उनके हृदय में भगवान की जो छवि है वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तो श्री नारद जी के हृदय में जब अखिल ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मानंद समा गए तो श्री नारद जी मस्त हो गए। और जहाँ भगवान का आगमन हो जाता है वह श्राप, ये संपूर्ण माया और श्राप की गति बहुत दूर हो जाती है। जो श्राप था राजा दक्ष का वो दूर ही जाकर के खड़ा हो गया है कि अब इनके पास में जा नहीं सकते। जहाँ भगवान का आगमन होता है वहाँ श्राप समाप्त हो जाता है, माया खत्म हो जाती है। जैसे श्री कन्हैया जैसे ही मैया देवकी की गोदी में आए तो अच्छा बताओ कि किसी को भी उनके बेड़ियां खोलने की आवश्यकता पड़ी, किसी को भी दरवाजे के ताले खोलने की आवश्यकता पड़ी, किसी को भी दरवाजा खोलने की आवश्यकता पड़ी, अपने आप खुल गए हैं। और जैसे ही वसुदेव महाराज जी श्री गोविंद को लेकर के गोकुल में पहुंचते हैं, वहाँ प्रदान किया यशोदा मैया की गोदी में, और वहां से जैसे ही माया को गोद में लेकर के वापस मथुरा आए तो फिर क्या हुआ, अपने आप गेट भी लग गए, ताला भी लग गया, जंजीर भी पड़ गई है। श्री भगवान आते हैं तो श्राप माया सब खत्म होती है, और जब माया आती है तो ये बंधन सारे पड़ जाते हैं।